अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुंच चुके हैं दाता दरबार पे। ये एक नया व्लॉग है, इसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने यहाँ पे पहुँचते ही पहले मैंने आपको बताया कि जूते अपनी गाड़ी में रखे और बाहर निकले। बाहर निकलते हमारे पाँव जलने शुरू हो गए, लेकिन अब हम वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि हम काफ़ी आगे आ चुके थे। यहाँ पर देखें बहुत सारे स्टॉल्स थे, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की जिसमें बैंगल्स थे और मतलब फूल थे अंदर डालने के लिए उनके मज़ार पर और बहुत सारी चीज़ें हमने सारा कुछ परचेज़ किया। उसके बाद यहाँ पर हम अलहदा अलहदा पहुँचे थे, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हो गए ताकि सब इकट्ठे मिलके फिर अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपके साथ चीज़ शेयर करती जाऊँ कि यहाँ पे मैंने एक औरत को देखा जो कि यहाँ पे जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना स्पैरोज, उनको सेल कर रही थी। और लोग लेके ना उनको तो पकड़ के अपने बच्चों के सरों के ऊपर से वार के ना तो उनको छोड़ रहे थे। और मैंने वहाँ पर खड़े खड़े नोट किया कि वो जो लोग लेके उनको वहाँ से अपने बच्चों के सर पे वार के उसको छोड़ते हैं तो ऊपर बहुत सारी चीलें थी और वो एक लम्हे में उसको झपट के खा रही थी। ठीक है, और मैं सोच ये रही थी कि क्या ये सदका ठीक है। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या ये ठीक था कि मतलब एक छोटा सा परिंदा और मासूम सी जान लेके अपने बच्चे के ऊपर से वार के उसको छोड़ दिया और पता भी है कि ऊपर चीलें हैं और वो उसको सारी खा गई। पता नहीं, मुझे तकलीफ़ हुई, आपको कैसा लगे? अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुँचे, हमने किया वज़ू और वज़ू करने के बाद हम सब ने पहले तो हम आके घबरा गए क्योंकि यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई थी, दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि आप इधर से ये जो लाइन लगी थी इसमें होके पीछे से जाओ तो फिर आपकी बारी शायद जल्दी आ जाए। मैं भी फिर अल्लाह का नाम लेके मैदान जंग में उतर गई। ठीक है, यहाँ पे भी धक्के पड़ रहे थे, कोई आगे को फेंक रहा था, कोई पीछे को फेंक रहा था। और एक लड़की मेरे पीछे आके थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे ये कह रही थी अभी मुझे रास्ता दिए, मेरे बेटे की यहाँ पे चप्पल खो गई है, मैं वो देखने लगी हूँ। मैंने जब उसे रास्ता दिया तो मैंने उस बाद में देखा कि वो सारी औरतों को ये कह रही थी अभी मुझे रास्ता दिए, मेरे बेटे की चप्पल यहाँ गुम हो गई। और वैसे करते करते सबसे पहले आगे चली गई और जाके उसने हाजिरी दे भी ली और मैं सबसे बाद में पीछे खड़ी देख रही थी। फिर मुझे समझ आई कि ये तो ऐसे वैसे कह के चली गई है। अच्छा जी, छोड़ें इस बात को, सबका अपना अपना ज़मीर है, अपने अपने काम है। यहाँ पे हम पहुँचे और बाकी सारे मुझसे आ गए थे और मेरी भांजियाँ थी, मेरी सिस्टर्स थी और सारे सब ने हाज़िरी दी और सारे चले गए। वालदा साहबा जो थी वो मेरी बीमार हैं इसलिए उनसे आगे नहीं आया गया, तो मैं उनको वहाँ पे जो ठंडा बरामदा है वहाँ पे सहन में मैं बिठा के आ गई थी ताकि उनसे क्योंकि चला नहीं जाना था तो आगे उनको ला के फिर परेशानी उनके लिए भी और ख़ुद भी फिर मैं आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उनको वहाँ पर बिठाया और ख़ुद मैं यहाँ पर धक्के खाने आ गई। मतलब कि इस लाइन में मैं धक्के खाने लग गई ताकि मैं आगे तक पहुंच सकूं और मैं सलाम पेश कर सकूं। ठीक है, फिर भी मैंने कैमरा ऑन रखा लेकिन मैंने उसको ज़्यादा जूम करके लोगों की तरफ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ थी सारी, तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं ऐसे जूम करके इसमें ले के आऊँ। ठीक है, इसलिए अब मैं यहाँ पर खड़ी हुई देखें सारी एक दूसरे के साथ ऐसे ही फंस फूस के यहाँ पर गुजर रही हूँ और मैं भी गुजर गया आहिस्ता आहिस्ता गुजरते करते कराते मैं पहुंच गई। सबसे पहली बात कि जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं ना तो बहुत सारे काम करने वाली जो लेडीज़ हैं ना वो आके कहती हैं हमें भी कुछ दें, हमें भी कुछ दें, हमें भी कुछ दें। समझ नहीं आती कि बंदा यहाँ पे सलाम पेश करने आया है या फिर वहाँ पे काम करने वाली जो लेडीज़ हैं उनको कुछ देने के लिए आया। एक दो को तो हमने दिए लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गई कि नहीं, ये तो सारी ही ऐसे कर रही हैं, तो फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अब जो भी कह रही थी हमें भी कुछ दो, मैं कह रही थी बाकी मैंने 50 लोगों को दे दिया, अब मैं आपको नहीं दे सकती। ठीक है, करते कराते यहाँ पर धक्के खाते खुदे मैं यहाँ तक पहुँची और मैंने यहाँ पर झुक के सलाम पेश किया, दुआ मांगी और अपनी सारी जो बातें थी दिल में बड़े अरसे से वो मैंने की। अल्लाह ताला के जो बनाए हुए वसीले हैं ना दुनिया में, हम कह तो देते हैं लेकिन ये कभी भी इंसान जो है वो चोटी तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो सीढ़ी के ज़रिए नहीं जाता। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के जो वली होते हैं, औलिया कराम होते हैं, जो अल्लाह ताला के नबी हैं, जो पैगम्बर हैं, जो ये इनकी अपनी अपनी जगह है। इस मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर गई तो कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, मैं करती हूँ, मैं गई थी और मैंने वहाँ पर सलाम पेश किया, नजराना डाला। अच्छा, ये नजराने की भी एक बात है, ये मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस मेरे दिमाग में इसने पैदा कर दी। अब मैंने वहाँ पे नजराना जो डालना था मैंने आगे करके किया तो वो जो वहाँ पे भाई साहब खड़े थे उन्होंने पकड़ के एक साइड पे रख दिया। अब मैं ये बाद में सोचने लग गई थी, मुझे पक्का पता चल गया था कि ये कभी भी उसमें वो जो बॉक्स बनाया हुआ उसमें नहीं जाना, ये बाहर बाहर से इन्होंने उठा लेना वहाँ से। और पता नहीं लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और ऐसे ही वो नजराना देते हैं और वो बाहर बाहर ऐसे ही बाहर ही रखते हैं और फिर वहाँ से उसको उठा लेते हैं, गले में तो पैसे जाते ही नहीं है, तो फिर वहाँ से निकलना क्या है, फिर जो निकलेगा वही तो यहाँ पे लगेगा। अच्छा जी,
फिर सलाम पेश किया और वहाँ पर बस ये सोचते सोचते मैं बाहर निकली। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले रहे थे, लेकिन मैं यहाँ से भाग रही थी और आपको फील भी होगा कि मैं यहाँ से भाग भाग के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पाँव बाहर सड़क पर इतने जल चुके थे, नीचे एक तरह के छाले बन गए थे। थे तो सारे लोग यहाँ पे नंगे पाँव, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने जूते बाहर रखवाए थे और हम गाड़ी में ही रखवाए थे। ठीक है, यहाँ से भाग भूग के मैं फ़ौरन जाना चाह रही थी यहाँ पे बरामदे में जहाँ पे ठंडा था। हाय, यहाँ पे खड़े होकर फिर मैंने एक बार पीछे सलाम पेश किया और मैंने फिर लास्ट जो सीन था वो लिया। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। और फिर मैंने रखे यहाँ पे ठंडी जगह पे पाँव, अभी भी पाँव मेरे जल रहे थे और मैं चाह रही थी मैं जल्दी से अपने मतलब जो सारे मेंबर्स हैं उन तक पहुँचूँ और हम वहाँ पे बैठ के फिर हम वहाँ से निकलें। तो ये था जी इस्लाम दाता साहब को जो हमने हाज़िरी दी उसका छोटा सा एक व्लॉग। अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए कितनी मौज से खड़ा है बच्चा इधर, बच्चे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, बच्चे तो इतने ज़्यादा थे और मांगने वाले तो बेशुमार ही थे ना, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वहाँ पे। और मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी आवाम वहाँ पे मांगने के लिए आई हुई है। तो पता नहीं क्या ये एक पेशा बन गया है, हम बहुत बहुत काम ख़राब हैं दुनिया में ना।